प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट तक रहा, जिसे लेकर पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, उस पर बात करेंगे मैम से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे चैनल पर आई। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम अनम जी। आपसे बात करके पता नहीं क्यों मुझे वो एक अजीब सी वो होती है ना, खुशी या अपनायत या पता नहीं क्या होता है, मेरा दिल कहता हंसी जाऊं। देखो ये तो बहुत खुशनसीबी है मेरी कि 90% लोग अनम मुझसे, ये मेरा अनुभव भी है, 90% लोग जब मुझसे मिलते हैं बात करते हैं तो वो खुश होते हैं, पर 10% लोग हैं जो मेरा डेड बॉडी देखने के लिए तड़प रहे हैं, या तो मेरा डेड बॉडी और या तो फिर मुझे जेल के अंदर देखने के लिए तड़प रहे हैं। उन 10% लोगों को आप दफा करें, वो 90% पे फोकस करें बस। बिल्कुल। अच्छा मैम, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो ये है कि आपको भी पता है, पहले तो पाकिस्तान के एयर स्पेस यूज की पीएम मोदी ने, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भाई धरते धरते फायदा उठा लिया कि क्या पता हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं। अब पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट करके एक हमारे तरफ कदम शायद बढ़ा ही लिया, उनको लगा। अच्छा, तो इसी में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर अभी SCO की जो मीटिंग हो रही है, उस पर पाकिस्तान ने पीएम मोदी को इन्वाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आए और जरूर आए, लेकिन अभी तक खास कोई रिस्पांस नहीं आया इंडिया पीएम मोदी की जानिब से। क्या कहेंगी आप, पाकिस्तान ने क्या सोचते हुए इतना बड़ा कदम उठाया? ट्रेड तक अभी तक तो बंद है, लेकिन इनवाइट कर लिया। अभी आपने एक सेंटेंस यूज किया कि आपका हवाई रास्ता पीएम मोदी ने 46 मिनट यूज किया रिक्वेस्ट करके। नहीं, बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, और रिक्वेस्ट के अगर कोई कागज होंगे तो जरूर दिखाया जाए मुझे, क्योंकि होता क्या है ना कि हवाबाजी में जो बातें होती है ना, उसको एटलीस्ट नाजिया इलाही खान तो एक्सेप्ट नहीं करती है। कोई अगर मेरे ऊपर भी टिप्पणियां करता है या कोई बात बोलता है तो मैं सीधा बोलती हूँ कि भैया पेपर दिखा दो, कोर्ट को दिखा दो या किसी को भी दिखा दो, पेपर दिखा दो, लेकिन ऑथेंटिक। तो रिक्वेस्ट की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन 46 मिनट फिजाओं और हवाओं में रहे हैं जरूर हमारे भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, ये तो मैं मानूंगी। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आला अधिकारी बोलिए, आर्मीज बोलिए, एस्टैब्लिशमेंट बोलिए, सरकार बोलिए, सब में एक अजीब सी हलचल मच गई है। और एक एक बात कहना चाहूंगी उसमें, ये पिक्चर मेरी वायरल हो रही थी कि पीएम मोदी ने नीचे छाती भी मारी, देख रहे थे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, तो मैं और मुजम्मिल के बात डिस्कस करें तो मुजम्मिल कहता है कि हमें भी देख रहे होंगे कि वो जो यूट्यूबर काम करते हैं अभी कहाँ पर है। तो ये चीज भी वायरल हुई थी। नहीं, मैं एक्चुअली अनम इस बात को बहुत पॉजिटिव अभी इस बार ले रही हूँ कि वाकई में जो युवा यूट्यूबर्स है वो सच में पाकिस्तान का कुछ तो भला चाहते हैं, तभी वो चाह रहे हैं कि कुछ अच्छे रिलेशन हो जाएं, क्योंकि उनको पाकिस्तान की दूरदशा और पाकिस्तान के जो इतने गिरे हुए हालात है और पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में बदनाम हुआ हुआ है, उससे बाहर निकालने की कोशिश तो आप लोग कुछ युवा यूट्यूबर्स कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कर रहे हैं। और आपके ऊपर भी अभद्र टिप्पणियां और आपके ऊपर भी एलिगेशन लग जाते हैं। हमारे भारत के कई मुसलमान आप लोगों को ISI का एजेंट बोल देते हैं, आप लोगों को हमारे भारत के मुसलमान बोलते हैं, और नेशनल न्यूज चैनल पर बैठ करके मुझे टारगेट किया है कि आप तो पाकिस्तान के ISI एजेंट के साथ बैठ करके बातचीत करती हैं, ये मुझे टारगेट किया है। मैंने कहा भाई वो बच्चे यूट्यूबर्स है, वो यंग है, पढ़े लिखे है, शिक्षित है, वो चाहते हैं कि उनका देश खूबसूरत हो जाए, मेरी कुछ बातों से अगर वहां की युवा कुछ अच्छा बेहतर रास्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये तो अच्छी बात है,
मतलब भारत के मुसलमान आपको जो अच्छी बातें करता है, जो अच्छे अवेयरनेस का काम करता है, वो उसको पसंद नहीं करते और आपको ISI का एजेंट बता देते हैं, जिसमें कई मुफ्ती लोग हैं जो नेशनल न्यूज पर बैठते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। 46 मिनट हवाओं और फिजाओं में मोदी जी पाकिस्तान के क्या रह लिए? कि आपके वजीर आजम ने तो SCU की मीटिंग में पूरा धावा ही बोल दिया कि आ जाइए, और बहुत बोल्ड डिसीजन, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप बिजी हैं तो हम इस SCO की मीटिंग को, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को हम अक्टूबर में कर लेंगे, पर आप आइए। अब जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर ऐसा ना हो के जाए, ऐसा हो सकता है कि वो जाए, वो जाकर के बात करें, वो जाकर के कन्फ्रंटेशन करें। मोदी जी जाएंगे, ये औकात पाकिस्तान की नहीं है। मोदी जी जाकर के उस SCO की मीटिंग में, समिट में बैठेंगे और अपनी बात रखेंगे, ये औकात पाकिस्तान की नहीं है। और इस औकात को बर्बाद करने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम खुद है, अनम खुद है। देखिए, लास्ट ईयर 2023 में जब SCO की समिट को होस्ट करने वाले जब भारत में हुए थे, तो पाकिस्तान के वजीर आजम को दो टोक बाद हमारे मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान यूज टेररिस्ट, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिज्म को पालता और पोसता है। ये बात बहुत साफ लफ्ज में कहा है। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से पहली बार हम लोगों को इतना करिज्मेटिक और इतना आउटस्पोकन हम लोगों को एक प्रधानमंत्री मिला है, जो पाकिस्तान के वजीर आजम की आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि भाई तुम तो टेररिस्ट फैक्ट्री तुम चलाते हो, एकदम आंखों में आंखें डाल करके। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल पार्टी ने जिस हिसाब से अभी 22 घंटे पहले अपने, आपके न्यूज चैनल्स में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि फंड के लिए भी उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया है, चाइना को भी किया है, सऊदी अरब को भी किया है, उसके बाद फिर उन्होंने भारत को भी करने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये आपका मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है, पर भारत को भी वो फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए। क्योंकि उन्होंने जो ग्रीवियांस लेटर या जो गैजेट उन्होंने इशू किया है, जो चाइना के लिए किया है, जो खतर के लिए किया है, जो UAE के लिए किया है, या फिर मे बी जो भारत को दिया है गैजेट कि हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए आप लोगों के फंड की जरूरत है, तो ऑलरेडी पाकिस्तान मोर देन 28 मिलियन कर्ज में दबा हुआ है, मोर देन। ये फंड लेकर के, और 77 साल में पाकिस्तान जो है, क्योंकि हम 78वें साल में आ चुके हैं, आपका जन्म दिवस और हमारा आजादी का दिवस, तो अब तक तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया फंडिंग ले ले करके। कितने फंड अरब पहले दिया करता था, है ना? अरब तो मतलब अपनी तिजोरी खोल करके रखा था, क्यों? क्योंकि लाइलाहा का रिश्ता था, इसलिए तिजोरी खोल करके पाकिस्तान के लिए रखता था। पर अनब पाकिस्तान गड्ढे में जाता ही गया। और मैं बहुत खूबसूरत से आपको समझाना चाहती हूँ कि अनम कोई भी देश तरक्की याफ्ता तब होता है, शिक्षित तब होता है, इम्प्रूव तब करता है, डेवलप्ड तब करता है, रिफॉर्म तब होता है, जब वहां की आवाम बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत दिमाग की होती है, और बहुत ही शिक्षित और रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने वाले दिमाग की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफ़ी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा भारत की बेटी दबंग वकील नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, बल्कि वो पाकिस्तान जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरा उस पर खुशियां मना रहा है, और ये उम्मीद लगा के बैठा है कि भारतीय प्रधानमंत्री SCO मीटिंग के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान जाएंगे, उनकी खुशियों पे पानी फेर दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।